ये तकरीबन बुक होने में ठीक है। क्लेम कैसा है? बहुत प्यारे खूबसूरत लुक आ रही है, बहुत प्यारे फूल गए, ठीक हो गया। अब मिठाई अब इसको इस तरह निकाल लें। मैंने मक्खन, आप कहेंगे कोई चीज तैयार हुई है, नहीं है। ये देखें, ये देखें भरे हुए कमाल में, ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड आरआरसी, कमाल की रेसिपियां, अथेंटिक रेसिपियां, आपकी दहलीज पे रेसिपियां बाबा फूड आरआरसी पहुंचा रहा है। चमचम वाइट रसगुल्ला किस तरीके से तैयार होता है, मुकम्मल गाइड करने वाला हूं, तवज्जो से देखिएगा। ये ले वीवर, ये तकरीबन 1.5 केजी दूध था मेरे पास, और मैंने इसको लेके पहले इसको बॉयल नहीं दिलवाया, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, फ्रीजर में। ये इस तरह बर्फ जम गई इसमें, ठीक हो गया 1.5 केजी। अब मैं इसका फ्लेम ऑन करने लगा हूँ और इसको बॉयल दिलवाने लगा हूँ। ये इसको बॉयल आ जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले दूध को अच्छे तरीके से बॉयल आ गया, फ्लेम को मैंने बंद कर दिया। अब तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसकी गुरमाइश खत्म करूँगा, इस तरीके से इसको हिलाऊंगा थोड़ी सी, इसकी जोश खत्म हो जाए गुरमाइश, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थोड़ा सा दूध का जोश जो था, हीट थी, वो मैंने ख़त्म कर ली। इस तरह का एक पोवा है मेरे पास, उसके अंदर ये टाटरी है, ये 1 टीस्पून समझ लें। फिलहाल हम डाल रहे हैं ये इस पोवे में डाल दें, और ये थोड़ा सा पानी इसमें डाल के इसको मिक्स कर लें। ये देखें थोड़ा सा पानी डाल दें, इसको ऐसे हल्का सा ऐसे मिक्स कर लूँ, इस तरीके से मिक्स करके अब इसको इसके अंदर ऐसे डाल के हल्का हल्का अब इसको हमने ऐसे ऐसे हिलाना है, छीने की तरफ लेके जाना है। अगर हमें ज़रूरत पेश आएगी टाटरी और डाल लेंगे तो हम बाद में डाल लेंगे। अभी मैंने 1 टीस्पून डाल के इसको हल्का हल्का इस तरीके से आपने घुमाते आना है, ठीक हो गया। ये नहीं, और पनीर हमारा छीना तैयार हो गया फटके, ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह बहुत कमाल का। ये देख लें, ये इसका जो ग्रीन ग्रीन पानी है ये अलग हो गया, छीना अलग हो गया। साथ पानी रख लें, इसके अंदर पानी डाल दें ताकि इसका जोश मजीद कम हो, छीना हमारा हार्ड है नरम की तरफ चला जाए, ठीक हो गया। ये नहीं, और ये हमारे छीने की कंडीशन ये देख लें, ये देख लें, ये देखें थोड़ा सा सख्त है, इसको पानी चेंज कर दिया मैंने, गर्म पानी इसका जो है ना रिमूव कर दिया, दूसरा पानी और डाल दें, 2 से 3 पानी इसके मैं चेंज करूंगा बस। ये देखें इस तरीके से, सुभान अल्लाह, ये देखें कितना मोटा मोटा छीना हमारा आ गया, पनीर आ गया, ठीक हो गया। ये नहीं, और मैंने इसके ना 3 पानी चेंज किए, छीने के या पनीर के, जिसको भी आप कहते हैं। अब ये नॉर्मल हो गया बिल्कुल इस तरीके से, ना ये ज़्यादा सख्त है ये ना ज़्यादा नरम है, दरमियाने साइज़ का, ठीक है। ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा ये सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। अब मैंने ये एक मलमल का कपड़ा ले लिया और इसको गीला कर लिया अच्छे तरीके से। 3 पानी हमने रिमूव इसलिए किए इसके छीने के या पनीर के, इसके अंदर से टाटरी वाला पानी रिमूव हो जाए। इसके साथ का मलमल का कपड़ा ले लिया और उसको गीला कर लिया। अब मैं ये सारा जो छीना है या पनीर है, जिस जो भी आप इसको नाम दे दें, मलमल के कपड़े में निकाल लूंगा और अच्छे तरीके से निचोड़ लूंगा। ये ले और पनीर हमने निचोड़ लिया अच्छे तरीके से। अब इसको अच्छे तरीके से इस तरह मसल लें, इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से मसल के, और 5 मिनट के लिए फ्रीजर में रख दें ऊपर वाले खाने में, ठीक है। जब तक हम इसको 5 मिनट फ्रीजर में रखेंगे, मैं आपको तरीका बता दूंगा कि आप शीरा किस तरीके से तैयार करना है, ठीक है। ये देखे इसको अच्छे तरीके से इस तरह मुलायम, इस तरीके से मुलायम करना है इसको, ये देखे, ताकि इसके अंदर गुठली वगैरह ना रहे, इस तरीके से इसको, ये देखें। ये नहीं, और इसके साथ के एक कढ़ाई ले लें, इसमें 1 किलो शुगर शामिल कर दें, और इसमें 300 ग्राम जो है ना पानी, 300 ml पानी शामिल कर दें। फ्लेम को ऑन कर दें, हमें थिक शीरा चाहिए, ठीक है, 2 तार वाला, इसको ऑन कर दें और हल्के फ्लेम पे इसको मेल्ट कर लें चीनी को। ये नहीं, और ये 5 मिनट के बाद हमने पनीर फ्रीजर में से निकाल लिया। अब ये मेरे पास रंगुलेट है, ये बासानी मिल जाता है रंगुलेट के नाम से, ये इतना सा, ये देखें डली वाला होता है, जो रंग काट होता है वो पिसा हुआ होता है, ये डली वाला मिल जाता है। इसको मैं पीस लूँ, ये 2 चुटकियाँ हैं तकरीबन, ये मैंने आपको दिखाने के लिए रखा हुआ है, इसको मैं पीस लूँ फिर मैं आपसे मिलता हूँ। ये ले व्यूअर, ये मैंने रंगुलेट जो था इसको 2 चुटकी है, इसको मैंने इस तरह ना पीस लिया, ये इसके अंदर शामिल कर दें। और ये रंगुलेट का क्या काम होता है? रंगुलेट शाइन देता है रसगुल्ले पे, और इसको जो है ना खस्तापन लेके आता है रसगुल्ले में, बात समझ आ गई आपको, इसलिए इसको रंगुलेट लगाते हैं मिठाई वाले। रंगुलेट लगा के थोड़ा सा इसको मसल लें। अब ये मेरे पास तकरीबन 20 ग्राम जो है ना, ये है खुश्क दूध पाउडर, ये मिल्क पाउडर, ये शामिल कर दें, और ये इसके अंदर जो है ना 2 चम्मच घी के शामिल कर दें। इसको थोड़ा सा ऐसे मिक्स कर लें अच्छे तरीके से,
फिर इसके अंदर दो चम्मच मेल्ट शुदा घी, ठीक हो गया, जमे हुआ नहीं दब देना, थोड़ा सा ऐसे इसको मिक्स करके इसके अंदर अब आपने क्या करना है, ये मेरे पास घी है मेल्ट वाला, ऑयल नहीं है घी है, ये 1 या 2 टेबलस्पून शामिल कर दें, ये इसमें घी 2 टेबलस्पून घी शामिल करके, ये मेरे पास मीठा सोडा है, ठीक है, ये तकरीबन 2 चुटकी जितना, ये देखें इतना सा है, इसके अंदर शामिल कर दें, और इनो भी डालते हैं कुछ लोग, देखें ना इनो साल्ट जो मार्केट से मिल जाती है वो भी डालते हैं, लेकिन ये देखें ये इनो साल्ट भी डालते हैं, लेकिन मैं इनो साल्ट नहीं डाल रहा, ये बेकिंग पाउडर ये भी 2 चुटकी ये इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये ले अच्छे तरीके से मिक्स करके, ये 40 ग्राम निशास्ता हरा रोड जिसे आप कहते हैं कलफ जो कपड़ों को लगता है, ये 40 ग्राम है, फार्मूला आपके जहन में है, शामिल कर दें, और ये सब्ज इलायची थी उनको मैंने थोड़ा सा कूट लिया, ये थोड़ा सा तकरीबन 1 चुटकी जितना ये इसमें शामिल कर दें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लें, ये देखें नरम हाथों से, ज्यादा सख्त हाथों से नहीं, नरम हाथों से इसको मिक्स करना है अच्छे तरीके से। शीरा हमारा पक रहा है, इस टाइम पे आके मैंने इसका फ्लेम स्लो कर दिया था ताकि मैं इधर ये आपको रस्त बता रहा था, ये रंगोलेट का टुकड़ा है छोटा सा रंगोलेट जो मैंने आपको बताया था, ये शाइनिंग के लिए डालते हैं, इस टाइम ये शीरे में ये मैंने डाल दिया, शामिल कर दिया और इसको और थोड़ा सा थिक होने की तरफ हम लेके जाते हैं, स्लो आँच पर ये पक रहा है, जब तक ये पकता है शीरा तैयार होता है हम इसकी टोप की तरफ आ जाते हैं, ये देखें इस तरीके से ये हमने बना लिया, थोड़ा सा इसको उठा लें, इस तरीके से इसको कर लें, इस तरीके से इसको अब हमने इसकी टोक लगानी है, ठीक हो गया, ये देखें ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, फिर थोड़ा सा ले लें, फिर इसको थोड़ा सा ऐसे करके ये सारे इस तरीके से मैं टोक बना लूँ इसकी, ये देखें ऐसे करके फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये नहीं मैंने टोक लगा ली सबकी, अब इस तरह एक उठाएं आप, पहले थोड़ा सा इसको यहाँ से दबा के हाथों के दरमियान में इस तरीके से थोड़ा सा दबा के फिर इसको गुलाई की तरफ लेके जाना है, इस तरह थोड़ा सा दबाना है, देखें बीच में अगर कैमरा मैन आपको दिखा सके, पहले दबाना है फिर इसको नरम हाथों से इस तरह इस तरीके से गोल कर लेना है पेड़े की पेड़े टाइप में, ये देखें इस तरीके से, फिर यहाँ पर इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, ये देखें ये इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है, ये सारे मैं इस तरीके से बना लूँगा, ये देखें यहाँ पर इस तरीके से, फिर दूसरा उठा लें इस तरीके से इसको बनाएं, थोड़ा सा इसको दबाएं पहले, फिर नरम हाथों से इसको गुलाई की तरफ ले आएँ इस तरीके से, फिर इसको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर दें, ऐसे लंबाई में ले आएँ, ठीक है, जितना लंबा आपने बनाना है पसंद करते हैं उस तरीके से आप बना लिए, देखें इस तरीके से, ये लें और ये सारे इस तरीके से हमने तैयार कर लिए हैं, ये तमाम रसगुल्ले 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 दाने बन गए हैं, ठीक हो गया, शीरा तैयार एक तरफ आ रहा है, अभी शीरे की सही तरीके से जो है ना जो हमें चाहिए वैसा नहीं बना, ये देखें जब पूरी एक तार बननी शुरू हो जाएगी और फिर हमारा शीरा तैयार हो जाएगा, ये ले वीवर शीरा हमारा तैयार हो गया, ये देखें ये पूरी एक तार हमारी तैयार हो गई, देखें इस तरीके से थिकनेस की तरफ आ गया, ये देखें ये रीठा था एक अदद, मैंने उसको जो है ना कोट लिया छिलका उसका पानी में भिगो के रख दिया थोड़े से पानी में, ठीक हो गया, अच्छा जहाँ पे जिन कंट्री में जो है ना रीठा नहीं मिलता वो मैदा ले लें, मैदे के अंदर घी मिक्स कर लें, 2 टेबलस्पून मैदा ले लें और 2 टेबलस्पून घी के अंदर मिक्स करके वो इस टाइम पे लगा दें तो उससे झाग बन जाएगी, ये मैंने आपको बता दिया, तो रीठा लगा रहा हूँ अब ये इससे ये जो है ना शीरा ऊपर आएगा, ये देखें जब शीरा ऊपर आएगा फिर हम अपने रसगुल्ले डालेंगे, इस टाइम पे आके इसके अंदर आप इस तरह एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरह रसगुल्ले डालते रहें, सुभान अल्लाह, ये तकरीबन 6 से 7 मिनट लेंगे कुक होने में, ठीक है, फ्लेम कैसा है, फ्लेम मेरा मीडियम से भी कम है, ठीक है, इस फ्लेम पे ये पकेंगे 6 से 7 मिनट में, ये इस तरीके से डाल दें आराम आराम से, और ये डीप होने जाने चाहिए ऊपर नज़र नहीं आने चाहिए, ठीक है, आराम आराम से इसको कुक होने दें, पानी का जग मैंने साथ रख लिया, जब हमें ज़रूरत पेश आएगी 3 से 4 मिनट के बाद मैं आपको बताऊँगा जब पानी का छट्टा मैं लगाऊँगा, अभी ये कुक हो रहे हैं, ये नहीं हो रहे, तकरीबन 30 से 40 सेकंड डालने के बाद इसको ऊपर से इस तरीके से हमने करना है ऊपर ऊपर से ताकि कढ़ाई को ना चिपके रसगुल्ला चमचम इस तरीके से क्योंकि जो गोदाम होते हैं मिठाई के वहाँ पे तो बड़े बड़े औजार देगचे कढ़ाइयाँ हर चीज़ तैयार होती है, यहाँ पे अब मैंने आपको समझाने के लिए इंशाल्लाह बड़े लेवल पे भी मैं आपको इसकी रेसिपी दूंगा, इस तरीके से इसको हल्का हल्का हिलाते रहें ऊपर ऊपर से नीचे तक जो है ना चमचम को ना लगे आपका ये जो चम्मच वगैरह है, और इस टाइम पे आके ये रीठे वाला पानी थोड़ा सा और लगा दें क्योंकि रसगुल्ले नजर आने शुरू हो गए हैं, ये नजर नहीं आने चाहिए, ये देखें सुभान अल्लाह पेड़े तैयार हो रहे हैं पेड़े, इंशाल्लाह हमारी जो है ना रसगुल्ले की कुकिंग बिल्कुल परफेक्ट जा रही है, ये देखें जबरदस्त किस्म के कुक हो रहे हैं, ये देखें इस तरीके से, ये देखें इस तरीके से।
ये रहे और पकते हुए शीरा गाढ़ा होना शुरू हो गया। थोड़ा सा पानी, दो चार घूंट इस टाइम पे आके इसको लगा दें ताकि शीरा जो है पूरे लेवल पे रहे, ज्यादा गाढ़ा भी ना हो ज्यादा पतला भी ना हो, लेवल रखना है। इस टाइम पे आके थोड़ा सा पानी लगाया फिर ये कुक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये रहे जी माशाल्लाह पकते हुए 5 मिनट हो गए हैं, माशाल्लाह रसगुल्ले हमारे फूल गए हैं, देखें सुभान अल्लाह बहुत प्यारे फूल गए हैं इस तरीके से। एक बार तो फिर दिखाइएगा जी, मैं दिखाता हूँ, ये देखें ये देखें ये देखें, बहुत प्यारे खूबसूरत लुक आ गई है, बहुत प्यारे फूल गए हैं, ठीक हो गया। ये ले व्यूअर तकरीबन 6 से 7 मिनट हो गए हैं ये कुक होते हुए, इनको अब इस टाइम पे यहाँ पे आके इसको यहाँ पे रख देते हैं, फ्लेम को बंद कर दिया। ये ले व्यूअर हमने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट पकाने के बाद इसको उतार लिया था, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए शीरे को छोड़ दिया, रसगुल्ले इसी में रहे, ठीक हो गया। या अब इसको इस तरह निकाल लें इस स्टैंडर वगैरह पे, सुभान अल्लाह मक्खन बने पहने मक्खन है, इस तरह निकाल लें इसको, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट कमाल के बने हैं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है, इसका थोड़ा सा शीरा जो है ना वो नुचड़ जाए स्टैंडर के जरिए नीचे, फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये ले व्यूअर अल्हम्दुलिल्लाह ये देख लें ये इस तरीके से बने हैं, शीरे से फूल हैं, अंदर से इसकी गुठली नहीं है, ये देखें ये देखें बिल्कुल, ये जड़ी अंदर गुठली होती है वो गुठली शुठली ये बिच नहीं है, बड़े सॉफ्ट और शीरे से भरे हुए कमाल दे, ठीक हो गया। अब इसको डिश आउट करके दिखाने लगा हूँ, यहाँ पे ले आए सुभान अल्लाह ये देखें कोई चीज़ तैयार हुई है। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने बना के दिखाई है, लेकिन अगर आप कारोबार करने वाले बनेंगे तो इसके रेट की तरफ भी आते हैं। मेरे इलाके के हिसाब से जो है ना वो इसका रेट है 450 रुपये के जी, आप अपने इलाके के हिसाब से इसको सेट कर लिया करें, वहाँ पे क्या किस रेट से सेल होते हैं या किस रेट से आपको दूध मिलता है, ठीक हो गया। ये मेरे पास पिस्ता है कटा हुआ, देखें चांदी वर्क भी है मेरे पास, ये चांदी के वर्क जो मिलते हैं मार्केट से वो, लेकिन मैं आपको पिस्ता लगा के दिखाऊँगा। ये देखें मक्खन तैयार हो गए, मक्खन पेड़े। अब जी आपने किससे सीखा ये? बस मैंने भी सीखा है किसी से भाई मेरे, आप टेंशन ना लिया करें, आप लोग सीखने वाले बने करने वाले बने, हर चीज के दो रुख हैं, ठीक है। एक ये मैंने आपको बताया खोए से, इंशाल्लाह खुश्क दूध से जो मिठाई बनती है मेलों पे या जो है ना किसी त्योहार पे, खुश्क दूध से अक्सर कभी मेले वगैरह लगते हैं, उर्स वगैरह होते हैं, तो खुश्क दूध से मिठाई तैयार होती है वहाँ पे। वो किस तरीके से तैयार होती है, हर चीज़ एक नंबर भी होती है दो नंबर भी होती है, वो तरीका भी मुकम्मल गाइड करूँगा कि खुश्क दूध से गुलाब जामुन रसगुल्ले किस तरीके से तैयार होते हैं। अगर आपको हमारी ये वाइट रसगुल्ले जिसको चमचम आप कहते हैं इसकी रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन को हट देता करो, फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में याद रखा करें। आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।